नमस्कार, इजी क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे म्यांमार की। म्यांमार की बात हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि म्यांमार में अभी 8 नवंबर को इलेक्शन हुए हैं, जो जनरल इलेक्शन थे वहाँ के नई सरकार के गठन के लिए, वो 8 तारीख को हुए। उसके साथ ही भारत और म्यांमार की भूमिका भारत के लिए इसलिए भी अहम है क्योंकि भारत चीन में जो तनाव बना हुआ है उसको लेकर के भी म्यांमार भारत के लिए बहुत ही अहम भूमिका रोल प्ले करने वाला है। तो हम म्यांमार भारत के संबंधों के साथ साथ ये जो अभी इलेक्शंस हुए हैं, जिसमें कि हालांकि वहाँ पर नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी जो कि सत्ता में थी उसी के दोबारा सत्ता में आने की बात की जा रही है क्योंकि 2 दिन हो गए हैं और चुनाव के जो शुरुआती परिणाम आ रहे हैं उसके अनुसार NLD ही जीत रही है। तो हम वहाँ की जो गवर्नेंस है उसको समझने का प्रयास करेंगे, उसके साथ साथ भारत म्यांमार के संबंधों को देखेंगे और चीन की म्यांमार में क्या भूमिका है उसको भी जानने का प्रयास करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, म्यांमार में 2008 में सेना के द्वारा रोड मैप टू डेमोक्रेसी के तहत जो संविधान पारित किया गया था उसके बाद से अब तक का ये तीसरा इलेक्शन है। 2010 के चुनाव में नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी यानी कि आंग सांग सूकी की पार्टी ने पार्टिसिपेट नहीं किया था क्योंकि उस समय वो नज़रबंद थी, लेकिन पिछले चुनाव में इन लोगों ने पार्टिसिपेट किया था, इनकी नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी ने उसमें भाग लिया था और एक लैंडस्लाइड विक्ट्री भी हासिल की थी। और उसके बाद फिर म्यांमार की स्टेट काउंसलर बनती हैं आंग सांग सूकी और वहां के राष्ट्रपति यू विन मिंत भी इन्हीं की पार्टी यानी कि नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी से ही हैं। 2015 के चुनाव में भारी बहुमत से जीतने के बावजूद भी आंग सांग सूकी राष्ट्रपति पद पर काबिज नहीं हो पाई। इस बार भी ऐसी कोई संभावना बनती नहीं दिख रही है कि वो राष्ट्रपति बन पाएंगे क्योंकि म्यांमार में 50 साल तक सैन्य शासन रहा और 2008 में नया संविधान बना करके उन लोगों ने इसका अंत किया। नए कॉन्स्टिट्यूशन में सेना ने ऐसे प्रावधान किए कि वहाँ की सभी चुनी हुई सीटों में 25% इनके लिए रिजर्व हो जाती है। इसके साथ साथ गृह रक्षा और जो सीमा संबंधी मंत्रालय है वो भी सेना के लिए ही रिजर्व है, यानी कि वहाँ की जो पार्लियामेंट है और उसके साथ साथ वहाँ के जो 7 स्टेट हैं उनकी भी असेंबलीज़ में 25% सीट्स जो है वो सेना के लिए रिजर्व है। अब इस रिजर्व सीटें रिजर्व होने के कारण सेना कोई भी ऐसा संविधान संशोधन पारित नहीं होने देती जो उसके अगेंस्ट हो या जिसको वो पसंद न करती हो। वहाँ की जो पार्लियामेंट है उसका जो अपर हाउस है उसमें 224 सीटें हैं, लोअर हाउस है उसमें 440 सीटें हैं, जिसमें से मैंने बताया 25% जो है वो सेना के लिए रिजर्व हैं। 2,70,00,000 के आसपास वहाँ पे वोटर्स हैं और लगभग 90 जो राजनीतिक दल हैं वो इस इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। यूनियन सॉलिडेरिटी और डेवलपमेंट पार्टी जो है वो सेना की पार्टी है और यही वहाँ का मुख्य विपक्षी दल भी है। तो इससे आप समझ गए होंगे कि म्यांमार की गवर्नेंस में सेना का पर्याप्त दखल है और इसको कोई भी चुनी हुई सरकार इस दखल को कम नहीं कर सकती है। तो और म्यांमार के इलेक्शन में भी अमेरिका की तरह कोविड बड़ा मुद्दा रहा। इसके साथ साथ रोहिंग्या संकट के कारण जो बौद्ध समुदाय में राष्ट्रवादी भावना का उभार भी हुआ ये भी एक बड़ा मुद्दा रहा। इसी के कारण म्यांमार इस बार का जो इलेक्शन का जो परिणाम आ रहा है NLD के वोटों में जो कमी आ रही है वो इसी बौद्ध राष्ट्रवादी जो उभार था उसके कारण आ रहा है, क्योंकि कई पार्टियां बनी जो कि इन बौद्ध नेशनलिस्ट का वोट अपने पास ले अपने पाले में खींच रही हैं। अब बात करते हैं भारत म्यांमार संबंधों की। तो भारत की आज़ादी के 4 महीने बाद 4 जनवरी 1948 को म्यांमार भी ब्रिटिशर से आज़ाद होता है और 1937 तक तो भारत और जो बर्मा था वहाँ वो एक ही था, यानी कि भारत और म्यांमार के जो सांस्कृतिक संबंध रहे हैं वो बहुत ही प्रगाढ़ रहे हैं। इसके साथ साथ भारत म्यांमार के साथ 1644 किलोमीटर की लंबी एक सीमा रेखा साझा करता है। बर्मा के मैक्सिमम लोग बौद्ध हैं, इस नाते ही भारत और बर्मा का संबंध काफ़ी पुराना रहा है और आप जान रहे हैं कि बर्मा की जेलों में भारत के तमाम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी बंद भी रहे हैं। म्यांमार जो है वो भारत के मिजोरम, मणिपुर, अरुणाचल के साथ अपनी सीमा रेखाएं साझा करता है। उसके साथ साथ जो पूर्वोत्तर के लिए साउथ ईस्ट एशिया का एक गेटवे भी है म्यांमार, इसलिए म्यांमार भारत के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। म्यांमार में लगभग 25 लाख की भारतीय आबादी भी रहती है जो कि ज़्यादातर रंगून और मांडले में रहती है और ये भारत और म्यांमार के संबंधों को और मजबूती ही प्रदान करते हैं।
उसके साथ साथ सिक्योरिटी, टेररिज्म, अलगाववाद, इस तरह के जो इश्यूज हैं, इन पर लड़ने के लिए म्यांमार की भूमिका बहुत अहम हो जाती है, क्योंकि 2015 का हॉट परस्यूट आपको याद होगा, जब भारतीय पैरा कमांडोज ने म्यांमार की सीमा में घुसकर NSCN खापलांग गुट के जो आतंकी थे उनको मार गिराया था। इस कार्रवाई में म्यांमार अभी समर्थन था। इसके साथ साथ म्यांमार जो अलगाववादी हैं, जो आतंकवादी हैं, उनके प्रत्यर्पण में भी आगे रहता है। 2020 में ही उन्होंने म्यांमार ने 24 आतंकियों को भारत को सौंपा था। यानी कि भारत और म्यांमार के संबंध अच्छे हैं, प्रगाढ़ हैं, सांस्कृतिक रूप से तो स्ट्रांग हैं ही। तो अब म्यांमार में जो चीन का दखल बढ़ रहा है उसको काउंटर करने के लिए भारत क्या कर रहा है? देखिए, अभी एक नया डेवलपमेंट हुआ पिछले महीने में, जब भारत ने सागर यानी कि सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन के तहत म्यांमार को एक अपनी पनडुब्बी देने की बात की है। ये एक किलो क्लास की पनडुब्बी है जिसका नाम है सिंधुवीर। ये भारत म्यांमार को देगा और म्यांमार की ये पहली पनडुब्बी होगी, यानी कि म्यांमार के पास अभी तक पनडुब्बी नहीं थी। हालांकि भारत वैसे तो हेलीकॉप्टर, हथियार और तमाम डिफेंस इक्विपमेंट्स का एक्सपोर्ट करता है, लेकिन पनडुब्बी देने की बात को डिफेंस एक्सपर्ट एक बड़ा कदम मान रहे हैं। इसके साथ ही BRO जो है वो मणिपुर के मोरो और म्यांमार के क्लेमियों को जोड़ने के लिए एक सड़क बना रहा था जो कि कंप्लीट हो गया है। इससे भी भारत और म्यांमार में जो ट्रेड है वो बढ़ेगा और आपसी जो विश्वास है उसकी भी बहाली हो रही है। लेकिन कुछ प्रोजेक्ट जैसे कालादान प्रोजेक्ट में देरी हो रही है, वो समस्याएं खड़ी कर रही है, क्योंकि इस परियोजना के पूरा होने से बंगाल की खाड़ी तक भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों की पहुंच आसान हो जाएगी, क्योंकि जब सितवे पोर्ट डेवलप हो जाएगा तो ये कोलकाता से कुछ ही दूरी पर है। इसके साथ ही कुछ और इश्यूज़ हैं जिन पर ध्यान दिए जाने की ज़रूरत है, क्योंकि पिछले साल भारत और म्यांमार के बीच का जो व्यापार था वो $1.2 बिलियन का ही था, जिसमें से $97.3 करोड़ भारत ने एक्सपोर्ट किया था, जबकि म्यांमार और चाइना का जो व्यापार है वो $17.7 बिलियन का है। यानी कि ट्रेड के मामले में हम चीन से बहुत ही पीछे हैं। इसके बाद साथ ही इसी साल की शुरुआत में जब शी जिनपिंग यानी कि चाइनीज़ प्रेसिडेंट म्यांमार पहुंचे थे तो उन्होंने बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर्स रिलेटेड समझौते किए, जिनमें कि बेल्ट एंड रोड परियोजना के तहत 1700 किलोमीटर लंबा एक इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाने की बात की, जो कि म्यांमार और चाइना को जोड़ेगा। इसके साथ वहाँ पर रिफाइनरी, रेल, रोड जैसे बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट संबंधी इन्वेस्टमेंट पर समझौते किए। देखिए, निवेश के मामलों में भारत भी पीछे नहीं है। म्यांमार में चीन को काउंटर करने के लिए भारत ने म्यांमार में $7 बिलियन की पेट्रोलियम रिफाइनरी बनाने का प्रस्ताव रखा है, जिस पर कि विजिट भारत के थल सेना अध्यक्ष की जो विजिट हुई थी उसके दौरान बातचीत हुई थी। एक और बात यहाँ पर मैं आपको बता दे रहा हूँ, ये जो मैंने आर्मी चीफ की बात की, भारत जो 2+2 डायलॉग होते हैं भारत के, वो लगातार हो रहे हैं, जिसमें अमेरिका, जापान, इनके साथ भारत ने 2+2 डायलॉग किया था। ये 2+2 डायलॉग जो होता है उसमें फॉरेन सेक्रेटरी और एक मिनिस्टर, इन दोनों लोगों की विजिट होती है। लेकिन अभी पिछले महीने में, अक्टूबर के महीने में, भारत के फॉरेन सेक्रेटरी और आर्मी चीफ दोनों लोग अचानक से म्यांमार के दौरे पर गए थे, और ये भारत के इतिहास में पहली बार हुआ जब भारत का आर्मी चीफ डिफेंस फॉरेन सेक्रेटरी के साथ किसी और देश के दौरे पर जा रहा है। इससे आप म्यांमार भारत के संबंधों की हाइट को समझ सकते हैं। तो अब मैं आता हूँ उस पर कि देखिए, म्यांमार के साथ एक अच्छी बात ये है कि वहाँ की सेना और सरकार दोनों के बीच चीन की जो डेप ट्रैप डिप्लोमेसी है उससे वो जानते हैं कि चीन किस तरीके से कर्ज के जाल में फंसाता है। इसीलिए चीन की जो बेल्ट एंड रोड परियोजना के तहत 1700 किलोमीटर की एक इकोनॉमिक कॉरिडोर बन रहा है उस पर म्यांमार पूरी तरीके से सहमत नहीं हुआ है। लेकिन भारत को म्यांमार में जो प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं उनको जल्द पूरा करना होगा, नहीं तो भारत और म्यांमार के जो सांस्कृतिक संबंध रहे हैं, और म्यांमार भारत को एक अच्छा पड़ोसी के रूप में देखता है और भारत भी उसी तरीके से देखता है, तो ये संबंध तभी तक रहेंगे जब तक कि भारत की निवेश की जो योजनाएं हैं वो समय पर पूरा हों और उसके साथ साथ भारत का जो सहयोगात्मक रवैया है वो आगे बढ़ करके हो। धन्यवाद।